मध्य प्रदेश के इंदौर में हम अभी समय मौजूद है और यह इंदौर के क्षेत्र है बापट चौराहा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो रहा है, न ही कोई राजनीतिक प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ भीड़ लगी है, दरअसल यहाँ पर ये जो भीड़ लगी है यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे वो लोग इलाज करवाने आए हैं जो एक लकवाग्रस्त या पैरालिसिस के मरीज हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलाज करने वाले हैं एक 24 वर्षीय एक युवती है, जिसके कहना है कि वो अपने हाथ फेर कर अपने लकवाग्रस्त जो भी मरीज हैं उनका इलाज किया जा रहा है। और यहाँ पे आने वालों का भी कहना है कि यहाँ पे जो माता जी है यहाँ पे हाथ फेर कर उनका इलाज कर देती है। भाई हम देख सकते, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कहाँ से यहाँ पे जो भीड़ लग रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मरीज भी है जिन्होंने अपना इलाज कराया है। हम उनसे जानते हैं कि दादा आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, किस तरीके से इलाज करवाया आपने? माता जी बताए थे। कितने समय से आप है ना ये? साल भर से। और किस तरीके से इलाज किया गया यहाँ पे माता जी ने? आपने माता जी ने खाली हाथ फेरा। हाथ फेरा? हाँ। तो क्या कुछ कहा गया आपसे? नहीं, कुछ नहीं कहा। हाँ, क्या हुआ, कुछ आराम लग रहा है आपको? लग रहा है, आराम लग रहा है। किस तरीके से? दर्द खत्म हो गया मेरा। दर्द खत्म हो गया? अंदर चल गया क्या बाहर पे? कुछ पैसे वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आराम है? आराम सब नहीं जरूर है। आंटी लग रहा कुछ आराम लगेगा भैया? अभी तो केले जैसा था, वैसे इनको पैरालिसिस हो गया था, डब्बा भी नहीं उठता था। हाँ, उठा लिया था। तो क्या पता लगा था आपको? हमको यहाँ से पता लगा था, इंदौर में हमारे रिलेटिव थे। हाँ। तो उनसे पता लगा था कि माता जी के यहाँ देखते हैं तो लेके आए। तो ये थे हमारे साथ में जो एक लकवाग्रस्त मरीज जो अपने साल भर से इलाज के लिए अपने आए थे। वो यहाँ तो उनका कहना है, इनका साफ दावा है कहना कि माता जी के केवल हाथ फेरने से उनका वो फायदा दिखाई दे रहा है। और यह हम दावा हम नहीं करते, ये आने वाले का मानना है या आस्था का है या अंधविश्वास का है। लेकिन यहाँ पर जो आ रहे हैं लकवाग्रस्त मरीज वो उनका देखा उनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से भी इलाज हो रहा है माता जी में या तो कोई देवी शक्ति है या तो दे सकते हैं, लेकिन फायदा उनको जरूर हो रहा है। फिरोज खान, एबीपी न्यूज, इंदौर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।